एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दोनों अपीलें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया नवाज शरीफ इश्तिहारी होने पर हक़ समात खो चुके, दरख्वास्त से खारिज करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। बाप की तरह बेटा भी एफआईए को मुतमईन ना कर सका। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की एफआईए में पेशी, कहा सियासी मसरूफियत की वजह से नहीं मालूम कि बैंक अकाउंट्स में पैसे कौन जमा करवाता रहा। सलमान शहबाज और रमजान शुगर मिल्स के मुलाजमीन के बैरून मुल्क जाने से भी इजहार लाइल्मी। क्लर्क्स के अकाउंट्स में 25 अरब किसने जमा करवाए? हमजा बोले, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, इल्जामात का जवाब कानूनी टीम अदालत में देगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पार्लियामेंट हाउस में वफाकी वज़रा और अराकीन असम्बली की मुलाकात। बजट सेशन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शफाफ इंतखाबात का रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म से एमक्यूएम के वफ़द ने भी मुलाकात की। कराची तरक्याती पैकेज, पानी और बिजली समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने कहा, सिंध हुकूमत शहरी इलाकों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। ये खून चूस बजट, ये हड्डी तोड़ बजट है। ये किसी वजीर किसी मुशीर का काम नहीं, ये कमाल की कारकर्दगी उस जकूटा जिन के है जो इमरान खान साहब के पास पहले दिन से मौजूद है, जिसने कहा मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। कौमी असेंबली में बजट इजलास के दौरान जकूटा जिन के चर्चे। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान के पास एक ऐसा जकूटा जिन है जिसने तमाम महकमों को बेड़ा गर्क कर दिया। अना का जिन निज़ाम को चलने नहीं देता, बजट को हड्डी तोड़ और खून चूस करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कानून साजी के लिए 14 रुकनी कमेटी बना दी। परवेज खटक, असद उमर, तारिक बशीर चीमा, फहमीदा मिर्जा, बाबर अवान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी शामिल। अपोजिशन की जानब से शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, राना सनाउल्ला, शाजी अमरी और नवीद कमर कमेटी का हिस्सा। दुश्मन अनासर हैं और जो मुल्क के इर्द गिर्द हालात बदलने जा रहे हैं, उस पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़ियात बढ़ भी सकते हैं। लाहौर में भी वाक़िया हुआ है, हम मुल्ज़िमों के करीब हैं, अनकरीब आप खुशखबरी सुनेंगे। जौहर टाउन धमाके के मुल्ज़िमान के करीब पहुंच गए हैं, जल्द आवाम को खुशखबरी सुनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद का समा को इंटरव्यू, कहा मुल्क में मौशी इस्तेहकाम, मुल्क दुश्मनों से हजम नहीं हो रहा, दहशतगर्दी बढ़ने का खदशा है, लेकिन मुल्क में इंतशार फैलाने के ख्वाहिशमंद नाकाम होंगे। फिशरीज से 20 लाख भत्ता वसूल करता फरियाल तालपुर को भी 1 करोड़ का भत्ता मिलता था। लियारी गैंगस्टर उजैर बलोच के सनसनी खेज इकबाली बयान का दूसरा हिस्सा सामने आ गया। मुख्तलिफ महकमों और शख्सियात से करोड़ों रुपए भत्ता वसूल करने और जमीनों पर कब्जे के लिए शहादत अवान और फारूक अवान की मदद का एतराफ। उजैर बलोच इकबाली बयान में अरशद पप्पू, उसके भाई और साथी को अगवा करके कत्ल करने का एतराफ भी कर चुका है। पैसे लेकर ट्रांसफर और पोस्टिंग का इल्जाम। वजीर अला पंजाब उस्मान बुजदार ने लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ दी। 25 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस भिजवा दिया, 14 रोज में माफी मांगने का मुतालबा। उस्मा बुखारी कहती हैं, जवाब के लिए आपका अदालत में इंतजार करूंगी। मुल्क में पेट्रोल बहरान का खदशा, इनकम टैक्स एजेंट रेट में 1% कमी। ऑयल कंपनीज को 15 दिन में अदायगी का पाबंद करने और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की मुल्क गिर हड़ताल। कराची में भी ड्राइवर्स ने टैंकर्स खड़े कर दिए, तेल की सप्लाई बंद। आबी जखायर में कमी, बिजली का शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट हो गया। तरबेला के 7 यूनिट बंद, 1760 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। एलएनजी टर्मिनल भी मरम्मत के बायस बंद किया जा रहा है। वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं, मुतबादल जरा इस्तेमाल करके कम से कम लोड शेडिंग की कोशिश करेंगे।
टैक्सों से मुतालिक FBR की वजाहत के बावजूद फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हठधर्मी हड़ताल के बाईस आटे की सप्लाई मुतासर, आटे की कीमत में इजाफा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने चोकर पर 17% टैक्स वापस लेने और कम अज़ कम टैक्स टर्न ओवर के 0.25% करने का ऐलान किया था। मुल्क में कोरोना से मजीद 38 अमवात, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 46,124 नए टेस्ट किए गए, मुस्बत केसेस की शरह 2.37% रही। 20 ममालिक के सफीरों और आलमी इदारों के नुमाइंदों का NCOC का दौरा, वैक्सीनेशन और स्ट्रेटजी से मुतालिक ब्रीफिंग, डिप्लोमेट्स की जानिब से NCOC की काविशों की तारीफ। और कौमी हीरो को पैमा अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने K2 सर करने की ठान ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल रवानगी का ऐलान, कहा लोकल टीम और गैर मुल्की को पैमा भी शामिल होंगे।